एक अभिशप्त शब्द है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्योंकि ये मात्र एक शाब्दिक प्रहार ही नहीं, जीवन भर के लिए जख्मों पर नमक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े आधा दर्जन मामले शहर में भी उजागर हुए हैं। साइबर थाने की टीम ने मंगलवार को वाड़ी, सदर, मानकापुर, यशोधरा नगर और अजनी थाने में प्रकरण दर्ज कराया है, लेकिन घटित प्रकरणों के एक वर्ष बाद भी पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 के दरमियान नागपुर में उपरोक्त थाना क्षेत्रों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का खुलासा हुआ है। ये ऐसे मामले हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को शेयर किए गए हैं। इसकी गंभीरता से स्थानीय साइबर थाने को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। साइबर टीम ने अपने स्तर पर प्रकरणों की जांच पड़ताल की, इसके बाद मंगलवार को प्रकरण दर्ज किए गए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी गंभीर ही नहीं, अमानवीय कृत्य भी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जरिए कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, तो तमाम लोग मानसिक रूप से बीमार होने के कारण इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इस अपराध की सजा जितनी भी गंभीर हो कम ही है, इंटरपोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोर्नोग्राफी पर इंटरपोल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 से लेकर 2020 के बीच करीब 3 वर्षों में ऑनलाइन बच्चों के यौन शोषण के 24 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। बताते चले कि बीते वर्ष भी इसी तरह की एक घटना का खुलासा उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट में हुआ था। तब चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट से जुड़े अवर अभियंता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से सीबीआई इस पूरे रैकेट का सुराग तलाशने में जुटी थी। हाल के दिनों में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण से जुड़े मामलों में काफी तेजी आई है। व्हाट्सएप के साथ टेलीग्राम पर भी ऐसे कंटेंट आसानी से अपलोड हो रहे हैं। मोटी रकम कमाने के लालच में कई युवा इस गंदे धंधे के दलदल में घुसे हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर साइबर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में हर 40 मिनट में एक अश्लील वीडियो बनाया जाता है। इंटरनेट पर अपलोड किए गए पोर्न में 35 से 38% वीडियो बच्चों और टीनेजर्स के हैं। सबसे अधिक सर्च किए गए कीवर्ड्स में स्कूल गर्ल्स, टीन्स और देसी गर्ल्स जैसे कीवर्ड्स है। आकलन के अनुसार भारत में रोजाना जितना डेटा इंटरनेट से डाउनलोड होता है, उसका 35 से 40% कंटेंट पोर्नोग्राफी का ही होता है। इंडियन साइबर आर्मी के सूत्र बताते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कंटेंट और इसके ग्राहक तेजी से बढ़ रहे हैं। सर्च इंजन पर रोजाना करीब 1,16,000 बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सर्चिंग होती है। इसका मतलब है कि हर सेकंड करीब 380 लोग सर्च इंजन पर एडल्ट कंटेंट देख रहे होते हैं। सभी सर्च इंजन पर करीब 25% सर्च सिर्फ पोर्नोग्राफी से जुड़ी हुई होती है, यानी रोजाना लगभग 6.8 करोड़ सर्च पोर्नोग्राफी से जुड़े होते हैं। हाल ही के ट्रेंड देखकर यह पता चलता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए सबसे अधिक मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में सबसे अधिक वीडियो अपलोड होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और पिछड़ी जगहों के बच्चे आसानी से टारगेट किए जाते हैं। इनके अलावा शहरी इलाकों के स्कूलों के भी बहुत सारे बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार होते हैं। गत दिनों चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर नई बहस तब छिड़ गई जब सीबीआई ने देश के कई राज्यों से पोर्नोग्राफी के धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने नोएडा, दिल्ली, झांसी, तिरुपति और ओडिशा सहित कई राज्यों में छापेमारी की थी। इसी क्रम में कानपुर से एक युवक जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्चों के अश्लील वीडियो कई साइट्स पर अपलोड करता था। इन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा था। ये लोग मिलकर टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील सामग्री अपलोड करने के साथ ही उसे फॉरवर्ड करने का काम करते थे। इसके एवज में ये ऑनलाइन पैसे भी लेते थे। इनका ग्रुप ऑन डिमांड वीडियो भी ऊंची कीमत पर अपलोड करता था। इसकी अधिकांश डिमांड बाहरी देशों से होती थी। पूरी दुनिया में भारत के ऐसे कंटेंट की खूब मांग है, क्योंकि यहाँ से ऐसा कंटेंट बहुत ही कम कीमत में मुहैया करा दिया जाता है। पोर्न कितनी तेजी से फैल रहा है, इस बारे में कोई नया सरकारी डेटा तो सामने नहीं आया है, लेकिन एक पुरानी स्टडी के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी समेत सभी तरह के पोर्न में करीब 100% की बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी यह बता चुकी है कि उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इसी के तहत उन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला कंटेंट परोसने वाली 3,522 वेबसाइट को जून 2017 में बंद कर दिया था। इसके लिए सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी यह निर्देश जारी किए गए थे कि वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी परोसने वाली सभी वेबसाइट्स पर कनेक्शन रोक दे, ताकि ऐसे वीडियो ना फैले। पोर्नोग्राफी इंसान को मानसिक रूप से रोगी बना देती है, जिसके चलते समाज में बलात्कार, अनैतिक संबंधों इत्यादि की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है और महिलाओं का सड़कों पर निकलना
मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही में सीबीआई ने भारत में चल रहे पोर्नोग्राफी के गोरख धंधे पर चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। ये रिपोर्ट सच में शर्मसार करने वाली है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व में आपको नजरें नीची करने पर मजबूर कर सकती है। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट के मामले पर खुलासा किया है। सीबीआई ने बताया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर्स बन रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में इस तरह के एडल्ट कंटेंट व्हाट्सएप पर एक सीक्रेट ग्रुप के जरिए शेयर किए जा रहे हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में 40 विभिन्न देशों के 200 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं और इन लोगों में सबसे ज्यादा भारतीय ही है। बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होने की बीमारी पीडोफिलिया कहलाती है। रिसर्च के मुताबिक वयस्क पुरुष आबादी का करीब 1% हिस्से को बच्चों के प्रति सेक्सुअल फैंटेसी होती है और वो पीडोफिलिया से ग्रसित हो सकते हैं। इस हिसाब से भारत में करीब 70 लाख लोग पीडोफिलिया के मरीज हो सकते हैं। महिलाओं में पीडोफिलिया की बीमारी होती है लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम है। रिपोर्ट में भी पता चला था कि चाइल्ड पोर्न को देखने वाले 90% पुरुष ही है। कई लोगों को किशोरों को सेक्सुअली देखना पसंद होता है। इस बीमारी को हिबिफिलिया कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बीमारियों के पीछे क्या कारण है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कई लोग पीडोफिलिया और हेबीफिलिया से ग्रसित होते हैं, जो अपनी पसंद पर काबू रखने के लिए आसान रास्ता चाहते हैं। जब किसी का यौन उत्पीड़न या रेप होता है, यह घटना व्यक्ति के मनोविज्ञान पर गहरे जख्म दे जाती है। वक्त के साथ साथ घाव भरता जाता है, लेकिन अगर सेक्सुअल अब्यूज का वीडियो वायरल हो जाए तो ये जख्म कभी नहीं भर पाते। इंटरनेट और सोशल मीडिया बार बार इन जख्मों को कुरेदते रहते हैं। इन जख्मों को भरने के लिए सही इलाज की जरूरत होती है। बच्चों के मामले में तो और भी सेंसिटिव केयर जरूरी है, लेकिन हैरत ये बात की है कि भारत में निजी स्थानों पर यौन सामग्री देखना अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जुलाई 2015 में मौखिक तौर पर टिप्पणी की थी कि वह किसी वयस्क को अपने कमरे में गोपनीयता के दायरे में पॉर्न देखने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। पॉर्न वेबसाइटों को नैतिकता और शालीनता का उल्लंघन बताते हुए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने जुलाई 2015 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से 857 अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया था। पोर्न कंटेंट तैयार करना चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट का छोटा सा और बिखरा हुआ हिस्सा है, लेकिन तैयार कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए नेटवर्क तैयार करना, कंटेंट बेचकर पैसे कमाना और बार बार कंटेंट परोसते रहना, चाइल्ड पोर्न रैकेट में ये काम पूरी प्लानिंग और संगठित रूप से किया जाता है। नाबालिग से लेकर वयस्क तक इस पोर्न कंटेंट को सर्कुलेट करते हैं। पुलिस की तहकीकात में पता चला कि कोविड के दौरान व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप पर चाइल्ड पोर्न कंटेंट से जुड़े ग्रुप्स की तादाद में उछाल आया। रैकेट में शामिल लोग इसी तरह के चैनल्स के जरिए चाइल्ड पोर्न कंटेंट लोगों तक पहुंचाते हैं। डार्क वेब में इस तरह के कंटेंट की खरीद फरोख्त होती है और क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट किया जाता है। कंटेंट खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है। पुलिस इस तरह के कंटेंट और इसकी खरीद फरोख्त को पकड़ने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने दिसंबर 2019 को ऑपरेशन ब्लैकफेस लॉन्च किया था, जिसके तहत चाइल्ड पोर्न रैकेट में शामिल लोगों को दबोचने की कवायद शुरू की गई। जुलाई 2021 तक इस ऑपरेशन के तहत 213 FIR दर्ज की गई और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से 105 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस से पता लगा कि 2019 के बाद से सिर्फ महाराष्ट्र से 15,255 चाइल्ड पोर्न कंटेंट अपलोड किए गए। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे से सबसे ज्यादा कंटेंट अपलोड किए गए थे। पुलिस के अनुसार चाइल्ड पोर्न के मामलों में अब तक हमें जो लीड्स मिले हैं उनमें दो तरह के केस होते हैं, एक तो चाइल्ड पोर्न की शेयरिंग से जुड़े मामले और दूसरा चाइल्ड पोर्न बनाने के मामले। शोध से पता चला है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी यूजर्स आमतौर पर तीन कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले वे बाध्यकारी यौन व्यवहार वाले हैं, जिनमें यौन कल्पनाओं, आग्रहों या व्यवहारों के साथ अत्यधिक व्यस्तता शामिल है, जिन्हें नियंत्रित करना मुश्किल है। दूसरे समूह में वे लोग शामिल हैं जो स्वयं बाल यौन शोषण में लिप्त है। तीसरा समूह वे है जिन्हें बचपन में खुद के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। अन्य लोग खुद को अपमानजनक व्यवहार से यौन रूप से उत्तेजित पा सकते हैं, खासकर यदि उनके शुरुआती यौन अनुभवों में दुर्व्यवहार शामिल हो। भारतीय कानून के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी शूट करना, प्रोड्यूस करना और शेयर करना तो अपराध है ही, साथ ही चाइल्ड पोर्न कंटेंट रखना और देखना भी अपराध है। पॉस्को एक्ट 2012 के सेक्शन 14 और 15 के तहत किसी भी बच्चे का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए करने पर 5 साल की कैद और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।
इस पूरे प्रकरण का सार यह है कि नागपुर में भी बच्चों की पॉर्न फिल्में बन रही है। गणेशपेट, जरीपटका, सक्करदरा और नंदनवन क्षेत्र अड्डे बने हुए हैं। आशंका है कि गुमशुदा बच्चों का इस्तेमाल ऐसी फिल्मों के लिए किया जा रहा है। साइबर सेल की पड़ताल में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ये फिल्में शहर के प्रमुख इलाकों में बनाई जा रही है। सफेदपोश अपराधी हमारे बीच के ही है। इनके चेहरों को समाज के सामने लाना बेहद जरूरी है। जितनी देर होगी उतने ही बच्चे शिकार हो चुके होंगे। इसमें कहीं आपके घर का बच्चा भी शामिल ना हो जाए, इसलिए जल्दी करें, आगे बढ़े, प्रशासन को साथ दे। हम आपके सामने फिर आएंगे एक नए विषय के साथ, जिसका हमसे और आपसे सीधा सरोकार है। तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।